हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। उन्नाव के परवा में एक एम्बुलेंस चालक की पत्नी घर से हुई लापता। परेशान पति घंटों तक पत्नी को इधर उधर खोजता रहा, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो पति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मिल रही जानकारी के मुताबिक पुरवा थाना क्षेत्र के विशनखेड़ा गांव के रहने वाला 23 साल का सूरज तिवारी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाता है। सूरज तिवारी ने साल 2018 में महाराजगंज जिले के अतेहरा के रहने वाले बलराम दीक्षित की बेटी 22 साल की सलोनी से लव मैरिज की थी। सलोनी और सूरज खुशी खुशी पुरवा के विशनखेड़ा गाँव में रहते थे। लखनऊ में एम्बुलेंस चलाने वाला सूरज छुट्टी पे घर चला आता है। वहीं सूरज की माँ के साथ गाँव में रहते हुए सलोनी घर का ध्यान रखती थी। पिछले 3 सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 11 अगस्त की शाम 4 बजे करीब सलोनी सूरज की माँ से ये कहकर निकली कि वो शौच के लिए जा रही है। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब सलोनी घर वापस नहीं लौटी तो माँ ने लखनऊ में सूरज को फोन कर पूरा मामला बताया। तुरंत ही सूरज लखनऊ से गांव वापस लौट कर आया और पत्नी सलोनी की खोज में लग गया। सब जगह खोजने के बाद भी जब सलोनी का कुछ पता नहीं चला तो सूरज पुलिस से मदद मांगने के लिए पुरवा थाने पहुंचा। और जो है हमारी मम्मी ने 4:30 बजे फ़ोन किया मेरे पास, कैसा है सलोनी जो है लैट्रिन गई थी और हमसे बोली कि लैट्रिन जा रहा है, लैट्रिन के बाहर ने खेत गई थी और खेत से ही 4 बजे से गायब है, उनका कोई पता नहीं। खूब ढूंढा है मम्मी ने, खूब ढूंढा खेत और बाहर भी जाके गाड़ी से पीछा किया, कुछ पता नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं। उनके घर वालों से मायके वालों से हमने पूछा, मायके वाले कह रहे हैं कि नहीं यहाँ कोई नहीं आया और अगर नहीं मेरी लड़की मिली तो हम जो है मुकदमा लिखवा देंगे। यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सलोनी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सूरज को मायके पक्ष के लोगों पर शक है कि वो ही सलोनी को अपने साथ ले गए हैं, लेकिन वो उसका पता उसे नहीं बता रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, उम्मीद है जल्द ही सूरज की पत्नी का कुछ पता चल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यू न्यूज़ UP, उन्नाव।